वेलकम टू बायो वर्ल्ड नाउ। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के इस वीडियो में हम लोग मियोटिक सेल डिवीजन के सेकेंड फेज यानी मियोसिस टू के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मियोसिस सेल डिवीजन के फर्स्ट फेज यानी मियोसिस वन के प्रोसेस को डिस्कस किया था। हम लोगों ने पढ़ा था कि मियोसिस वन में एक सिंगल डिप्लॉयड सेल डिवाइड होकर दो हैप्लॉयड डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करता है और इन दोनों डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम का नंबर अपने पेरेंट सेल के क्रोमोसोम के नंबर से हाफ होता है। मियोसिस वन के बाद ये दोनों सेल एक शॉर्ट पीरियड के लिए इंटरकाइनेसिस में इंटर होते हैं और इसके बाद ये दोनों सेल मियोसिस टू में इंटर होते हैं। मियोसिस सेल डिवीजन का सेकेंड फेज है मियोसिस टू, यानी इंटरकाइनेसिस के बाद दोनों सेल्स मियोसिस टू में इंटर होते हैं। मियोसिस टू का टाइम पीरियड मियोसिस वन से छोटा होता है क्योंकि मियोसिस वन में होमोलोगस क्रोमोजोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन होता है, लेकिन मियोसिस टू में क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है। माइटोसिस सेल डिवीजन की तरह ही मियोसिस टू में भी क्रोमोजोम के दोनों सिस्टर क्रोमाटिड एक दूसरे से अलग होकर अपोजिट पोल की ओर मूव करते हैं, इसलिए मियोसिस टू और माइटोसिस का प्रोसेस बिल्कुल सेम होता है। माइटोसिस और मियोसिस वन की तरह ही मियोसिस टू में भी चार फेजेस होते हैं। फर्स्ट प्रोफेज टू, सेकेंड मेटाफेज टू, थर्ड एनाफेज टू और फोर्थ टेलोफेज टू। मियोसिस टू का फर्स्ट फेज है प्रोफेज टू, यानी इंटरकाइनेसिस के बाद दोनों सेल्स प्रोफेज टू में इंटर होते हैं। माइटोसिस के प्रोफेज की तरह ही प्रोफेज टू में भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है और क्रोमोसोम फिर से कंडेंस होने लगता है। क्रोमोसोम के कंडेंस होने के कारण क्रोमोसोम के दोनों सिस्टर क्रोमाटिड फिर से दिखाई देने लगते हैं। इसके अलावा इस फेज में दोनों सेंट्रोसोम सेल के अपोजिट पोल्स की ओर मूव करते हैं और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाता है। मियोसिस टू का सेकेंड फेज है मेटाफेज टू, यानी प्रोफेज टू के बाद सेल मेटाफेज टू में इंटर होता है। माइटोसिस के मेटाफेज की तरह ही मेटाफेज टू में भी सभी क्रोमोसोम सेल के इक्वेटर की ओर मूव करते हैं और स्पिंडल फाइबर के हेल्प से इक्वेटोरियल प्लेट में एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज हो जाते हैं। ये स्पिंडल फाइबर प्रत्येक क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से अटैच रहता है और प्रत्येक क्रोमोसोम का दोनों सिस्टर क्रोमाटिड अपोजिट पोल के स्पिंडल फाइबर से अटैच रहता है, यानी इस क्रोमोसोम में ये सिस्टर क्रोमाटिड इस पोल के स्पिंडल फाइबर से अटैच रहता है और ये सिस्टर क्रोमाटिड इस पोल के स्पिंडल फाइबर से अटैच रहता है। मियोसिस टू का थर्ड फेज है एनाफेज टू, यानी मेटाफेज टू के बाद सेल एनाफेज टू में इंटर होता है। माइटोसिस के एनाफेज की तरह ही एनाफेज टू में भी सिस्टर क्रोमाटिड के बीच का कोहेसिन फोर्स टूट जाता है और दोनों सिस्टर क्रोमाटिड एक दूसरे से अलग होकर दो आइडेंटिकल डॉटर क्रोमोसोम फॉर्म करते हैं। ये दोनों डॉटर क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर के हेल्प से सेल के अपोजिट पोल की ओर मूव करते हैं। मियोसिस टू का फोर्थ फेज है टेलोफेज टू, यानी एनाफेज टू के बाद सेल टेलोफेज टू में इंटर होता है और ये मियोसिस सेल डिवीजन का लास्ट फेज है। माइटोसिस के टेलोफेज की तरह ही टेलोफेज टू में भी सभी क्रोमोसोम अपने रिस्पेक्टिव पोल्स में पहुंच जाते हैं, यानी जो क्रोमोसोम नॉर्थ पोल की ओर मूव कर रहा था वो नॉर्थ पोल में पहुंच जाता है और जो क्रोमोसोम साउथ पोल की ओर मूव कर रहा था वो साउथ पोल में पहुंच जाता है। इसके अलावा इस फेज में सभी क्रोमोसोम फिर से डिकंडेंस होने लगते हैं, माइटोटिक स्पिंडल का ब्रेकडाउन होता है, क्रोमोसोम के चारों ओर न्यूक्लियर इन्वेलप डेवलप होता है और न्यूक्लियोलस भी दिखाई देने लगता है। इस तरह से इन दोनों सेल में एक सिंगल न्यूक्लियस से दो दो डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म होता है और इन चारों डॉटर न्यूक्लियाई में क्रोमोसोम का नंबर अपने पेरेंट सेल के क्रोमोसोम के नंबर के बराबर होता है, इसलिए इन दोनों सेल के न्यूक्लियस में दो दो क्रोमोसोम प्रेजेंट है और इन चारों डॉटर न्यूक्लियाई में भी दो दो क्रोमोसोम प्रेजेंट है। टेलोफेज टू के बाद सेल साइटोकाइनेसिस में इंटर होता है, यानी इन दोनों सेल का साइटोप्लाज्म दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होकर दो दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करता है, यानी टोटल चार हैप्लॉयड डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होता है। मियोसिस सेल डिवीजन का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ सेल साइकिल के इंटरफेज में
डीएनए के रेप्लिकेशन से क्रोमोसोम का अमाउंट डबल हो गया है, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर सेम है, इसलिए यहाँ दो क्रोमोसोम प्रेजेंट है और यहाँ भी दो क्रोमोसोम प्रेजेंट है। इसके बाद सेल फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न यानी मियोसिस वन में इंटर होता है। मियोसिस वन एक रिडक्शनल डिवीज़न है, यानी यहाँ क्रोमोसोम के नंबर का रिडक्शन होता है, इसलिए यहाँ पेरेंट सेल में दो क्रोमोसोम प्रेजेंट है, लेकिन इन दोनों डॉटर सेल में एक एक क्रोमोसोम प्रेजेंट है। साथ ही साथ मियोसिस वन में होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन होता है और जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। इसके बाद सेल सेकेंड मियोटिक डिवीज़न यानी मियोसिस टू में इंटर होता है। माइटोसिस की तरह मियोसिस टू एक इक्वेशनल डिवीज़न है, यानी मियोसिस टू में क्रोमोसोम के नंबर का रिडक्शन नहीं होता है, इसलिए यहाँ इन दोनों पेरेंट सेल में एक एक क्रोमोसोम है और इन चारों डॉटर सेल में भी एक एक क्रोमोसोम प्रेजेंट है। इस तरह से मियोसिस सेल डिवीज़न के एंड में एक सिंगल डिप्लॉयड पेरेंट सेल से चार हैप्लॉयड डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेल साइकिल चेक पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।